मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ऐ ज़हरा के बाबा, ऐ ज़हरा के बाबा, ऐ ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। आता ऐ ज़हरा के बाबा, ऐ ज़हरा के बाबा सुनिए इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। बहुत दिल लगा के सुनिएगा और मेरे हिसाब से आंखें आप बंद कर लें, तस्वीर में मदीने को लाए और सुन लीजिए ये पूरा कलाम। इंशाल्लाह आप यहाँ नहीं मदीने में पहुंच जाएंगे, अल्लाह करे इस कलाम की बरकत से आप तमाम गुलामों की हाजिरी हुजूर के शहर में हो जाए। जरा सुनिएगा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी। न कट जाएगा यूं ही उम्र सारी, बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी। न कट जाएगा यूं ही उम्र सारी, कहां से बतानी, कहां से बतानी, कहे कुछ पता। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। आता ऐ ज़हरा के बाबा, ऐ ज़हरा के बाबा सुनी इल्तिजा, मदीना मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको, बुलाती है मुझको, दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। सताती है मुझको, बुलाती है मुझको, दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। दुनिया बातों, दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। आता ऐ ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ये इकरार है तुझको मैं हूँ कमीना, हुजूर चाहे तो आऊँ मदीना। ये इकरार है तुझको मैं हूँ कमीना, हुजूर चाहे तो आऊँ मदीना। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। आता ऐ ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। न
मदीना बुला लीजिए। ख्यालों ख्वाब की सूरत बिखर न जाऊं कहीं, ख्यालों ख्वाब की सूरत बिखर न जाऊं कहीं, मैं जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं, यही ख्याल सताता है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। हुजूर के आशिक से लोग कहते हैं जिंदा क्यों है, तो नबी का गुलाम कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हारी याद मेरी ईद जिंदा रखे है, नजर को आरजूए दीद जिंदा रखे है, न जाने कब के ये उस शाख मर गए होते, मदीना जाने की उम्मीद जिंदा रखे है। चलना है ना इंशाल्लाह मदीना, चलना है 10-15-20 हजार रुपए इकट्ठा हो तो पहली फुर्सत में पासपोर्ट बनवा लो। मैं ये बात कोई हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं भी हुजूर की नौकरी करता हूँ। हजरत सैयद साहब की पूरी दुनिया में जाते हैं, कफील भाई सैयद भाई, रोज पता नहीं कितने एक्सीडेंट देखते हैं। अल्लाह से दुआ करो कि परवरदिगार पोस्टमार्टम वाली मौत से महफूज रखे। वो जब गुस्ल देने वाला मुर्दे को गुस्ल देता है ना तो बहुत प्यार से देता है, फिर भी जब वो उसके हाथ उठाता है तो वो मुर्दा कहता है मेरे भाई जरा प्यार से उठा, बड़ी तकलीफ हो रही। फिर वो जो शराब पी के और अब तो वो बताते हैं कि ग्राइंडर मशीन से वो चीरते हैं लाशों को, तो फिर वो मुर्दे को किस कदर तकलीफ होती होगी। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, मौत की गारंटी, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। पहली फुर्सत में पासपोर्ट बनवाओ और 1.5 लाख रुपए का फोन, 15 लाख की कार, 50 लाख का मकान मत बनाओ, पहले मदीना देख लो। यार जिसने मदीना नहीं देखा ना, खुदा की कसम उसने कुछ नहीं देखा। पासपोर्ट हाथ में पहुंचे, मुसल्ला बिछाओ, शुक्राने की नमाज पढ़ो, हुजूर की बारगाह में अर्जी लगा दो, यार रसूल अल्लाह पासपोर्ट बनवा लिया है, मदीने जाने का इंतजाम फरमा। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ इतनी जल्दी और ऐसा इंतजाम होगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा, इंशाल्लाह हुजूर का बुलावा आ जाएगा। तो जिसने जाना है मदीने वो जरा बुलंद आवाज से ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना, मिलके मदीना बुला लीजिए, मैं देखूं वो रोज़ा, मैं देखूं वो जाली, बुला लीजिए मुझको भी सरकार आली, देखूं वो रोज़ा, मैं देखूं वो जाली, बुला लीजिए मुझको भी सरकार आली, कहाँ जा रे आका, कहाँ जा रे आका, ये मंगता भला मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, आका ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, जहाँ के सभी सर शमसो जहाँ पे अबू बकर उमर है, जहाँ के सभी सर शमसो उमर है, उमर है जहाँ चो फरमा, जहाँ चो फरमा हमजा चचा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, आता ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। आपकी नजर पता नहीं किस नजर से देख रही हो, मगर आशिक तो बहरहाल आशिक होता है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का करम है, दो रमजान मतलब 60 दिन हुजूर के यहाँ गुजार चुके हैं, फिर इंशाअल्लाह रमजान में हम दोनों दोस्तों की जाने की तैयारी है। और एक एहसास, एक दफा हम लोग बैठे हुए थे गुम्बद खजरा के पास में अफ्तार के वक्त में,
70 80 साल के एक बूढ़े थे जो व्हील चेयर पर आए और हुजूर के रोजे के पास से उनको ले जा रहे थे। वो शख्स रो रहा था बेतहाशा। एक इंसान ने पूछा, रोता क्यों है? या रसूल अल्लाह, बुलाया भी इस उम्र में कि आप आंख देखने के लिए आंख नहीं है, चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर आया हूँ। मेरे आका मेरी नस्लों को उस वक्त बुलाना जब यहाँ पर आकर के खड़े होकर के सलाम पेश करें। और अफ्तार कर रहे थे, मैं था, सब ये लोग बैठे हुए थे, कभी गुम्बदे खजरा को देखते, कभी चौदहवीं के चांद को, 14 रमजान, कभी चौदहवीं के चांद को, कभी गुम्बदे खजरा को। कारी साहब के हाथ को मैंने पकड़ा, कहा मोहम्मद अली साहब, देखिए ऐसा लगता है कि नीला अंबर हरा सा लगता है, नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफा सा लगता है, जब से देखा हुजूर का रोजा चांद भी सांवला सा लगता है। दोनों हाथों को उठाएं इस नियत के साथ कि या रसूल अल्लाह हमें मदीना बुला ले, मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुलाकात तो नहीं कर पाया था, मगर कफील भाई ने मुझे बताया रूम पे आके आपके ताल्लुक से भी कि रमजान शरीफ में हजरत भी वहां थे मदीने में। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मदीना दिखाए ना तो रमजान में दिखाए। मैं सही बता रहा हूँ, एक बार और कफील भाई आप ये बात कह रहा हूँ, मैं हुजूर से कह के आया हूँ कि या रसूल अल्लाह जब तक जिंदगी रहे रमजान ना का ना, और हुजूर बुलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये एक शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हजरत ने भी रमजान में हुजूर का मदीना देखा है, कफील भाई ने भी देखा है, और जिन जिन लोगों ने रमजान में देखा है उनकी खास दुआएं चाहता हूँ। जरा सुनिएगा, बहुत कैफियत का शेर है, लेकिन जरा एक बार गुजारिश है, बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना, खुल के मदीना बुला लीजिए, वो रमजान तेरा वो तालान तेरा वो अजबाब जमजम ये मेहमान तेरा, वो रमजान तेरा वो तालान तेरा वो अजबाब जमजम ये मेहमान तेरा, तेरे 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 इफ्तार का मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, आका ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। इतना मैं माँ और बाबा को चाहूं, जितना चाहूं किसी को चाहूं, न इतना मैं माँ और बाबा को चाहूं, जितना चाहूं किसी को चाहूं, मेरे बाल बच्चे हो तुम पर फिदा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, आका ज़हरा के बाबा सुनी इल्तिजा मदीना बुला लीजिए। कुछ याद करवाने वाला हूँ, लेकिन शेर सुनोगे तो याद आएगा। हुआ है जहाँ से जहाँ ये मुनव्वर जहाँ जिब्रील कुरान लेके, हुआ है जहाँ से जहाँ ये मुनव्वर जहाँ जिब्रील कुरान लेके, मुझे देखना है मुझे देखना है बुखारे मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए।
आप भी जाएंगे, आपने तो माशाल्लाह लोगों को ले जाने का इंतजाम कर रखा है। सुभान अल्लाह। मदीना बुला लीजिए जिसे सगोह कहते नतीहा का बेटा, जिसे सबको कहते नतीहा का बेटा, तो अहमद रहता है बरेली में लोटा, उसी आला हजरत, उसी आला हजरत का वास्ता, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए आका सहरा बाबा सुने इल्तजा, मदीना मदीना बुला लीजिए या रसूल अल्लाह, मदीना बुला लीजिए और बुलाने के बाद, मदीना बुला लीजिए और बुलाने के बाद, और फिर मैं कहता हूँ काश ऐसा हो जाए या रसूल अल्लाह, बुलाने के बाद अता हो ये सहारा कसदका, मुझे वही काश आका अता हो फकीर ये सहारा कसदका, मुझे मौत आए वही काश आका, पढ़ाते वही पे जनाजा मेरा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए आका जहरा के बाबा सुने इल्तजा, मदीना बुला लीजिए, कर्म कर दिया है ये ख्वाजा पिया ने, जो मिस्र लिखे है शबाहत मियानी, कर्म कर दिया है ख्वाजा पिया ने, जो मिस्र लिखे है शबाहत मियानी, करे 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 ते गुजर जो हुई हो खता, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए आका जहरा के बाबा, जहरा के बाबा सुने इल्तजा, मदीना बुला